ये सब इनसे लेकर इनको देते हैं। लेकिन जो भजन गाना होता है ना, खुद भजन नहीं गा सकते, ये सुन सकते हैं, और जो इनको भजन सुनाते हैं उन पर कृपा करनी पड़ती है, ये मजबूर है कृपा करनी। इसके पीछे मैं लॉजिक देता हूँ, क्या वजह है यार इसको देखो। इसके पीछे मैं लॉजिक दे रहा हूं आपको। भजन गाने वाला आज भजन गाना शुरू किया, 10 दिन घर में गाया, अपने घर के नीचे मंदिर में गाया, और उसके बाद क्षेत्रों में गाने लग जाएगा। एक CA एक MBA 10-10 साल मेहनत करते हैं, और लाखों लाख में से कोई हजारों की संख्या में बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 24 घंटे कंपनी की सेवा करते रहते हैं, उसके बावजूद भी 15-20 लाख का पैकेज पहुंचने में जमीन आसमान एक करना पड़ जाता है। लेकिन भजन सुनाने वाला जिसको शुरू का ज्ञान नहीं होता, उसका पैकेज 2-3 सालों के अंदर में एक MBA के पैकेज से बड़ा हो जाता है। जबकि श्याम जगत में 99% भजन गायक बेसुरे, पहला नंबर मेरा, जिन्हें सुर का ज्ञान नहीं, फिर भी बाबा चला रहा नहीं दोहरा रहे और दोहरा रहा नहीं उड़ा रहे। क्यों? क्योंकि ये भजन पसंद है। 56 भोग लगाने के लिए दिवाली की मिठाई देखने जाओगे, 100 रुपये में कुछ नहीं आता, 500 में भी कुछ नहीं आता, है ना। लेकिन एक भजन सुनाने के लिए कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा, भाई तो वादा करता हूँ आपसे। नियम बना लो, रोज एक भजन बाबा को सुनाओगे, 1 महीने कर देख लो, रोज नियम से एक भजन बाबा को सुनाओ, 1 महीने रोज सुना कर देख लो, आपकी जिंदगी की बैलेंस शीट नहीं बदल दे तो मुझे पता नहीं। अब बताओ कौन कौन मेरे साथ भजन सुनाएगा, इसका पता है कौन चेंज कर जाए।
पंद्रह मिनट ठीक करो, उसके बाद गाएंगे। हेल 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 लीड वाला दे दो भाई जल्दी। हेल्प हेल्प हेल्प। अरे हुआ है, हुआ ही है तार। थोड़ी देर धीरा निकलना, बहुत लंबा यार सर। बेस उठाओ हल्का सा बेस। किसी स्पीकर में आवाज आ रहा है, कभी किसी में आ रहा है, जो छींक छींक करता है तो बंद कर दे, तो माइक नहीं चलाना आता तो ऑपरेटिंग करते हैं। Thank you.
इनके हवाले हो, इसलिए प्रेमियों सब कुछ इनके हवाले कर दो।
तकलीफ आती है ना, तकलीफ आती है और हम परेशान होते हैं, नहीं हुआ मुश्किल है, मुश्किल है, लेकिन कसम श्याम की तकलीफ आओ ना आए ना तो ये सोच लो कि हम परेशान होकर कौन सी तकलीफ मिटा देंगे, हम परेशान होकर कौन से तकलीफ को दूर कर देंगे, करेगा तो वही करेगा, है ना। हम मस्त रहें, हम तकलीफ में भी हंसेंगे ना तो इसको लज्जा आएगी, देखो ये तकलीफ भोग रहा है फिर भी हंस रहा है, अब इसका काम बनाना पड़ेगा। गुरी सच्चे दरबार आइए प्रेमियों, हमको तो आसरा है ए श्याम मुरली वाले, ए श्याम खाटू वाले, हमको तो किसको किसको आशा है पूरे पूरे हाथ उठाना और मिलकर तालियां बजाना। Thank you.
Thank you.
क्योंकि बावड़ों में दुनिया हाथ नहीं पकड़ती ना, ए पागल है बावड़ा है, अरे से दूर शाम तो उसी को पकड़ता है। बाबा ने हाथ पकड़ लिया, हमें आनंद आने लगा, हम खाटू जाने लगे, बंबई के प्रेमी मिलने लगे, दिल्ली के मिलने लगे, हैदराबाद के मिलने लगे, कलकत्ते के अंदर में कीर्तन होने लगा, हम कीर्तनों में जाने लगे, है ना। फिर बाबा ने कृपा कर दी, कीर्तनों के अंदर में हम पर्ची कटवाने लगे, 5,111,000 रुपया। और जैसे ही हमने पर्ची कटवाई, सामने वाला बेचारा क्या करेगा, ये साफा बंधवा दिया, पटका पहना दिया, माला पहना दी, बस अब वो आदत खराब हो गई भाई, अब वो आदत खराब हो गई। अब खाटू धर्मशाला से अब होटल बदल गए, धर्मशाला से होटल में आ गए। अब होटल से निकल रहे तो बाबा से मिलने के बाद में चारों तरफ देख रहे हैं, कौन मिला है, कौन जान पहचान का है, कोई भगवान वाला मिल जाता है जान पहचान का, एक घंटा उससे बात करने में लग जाते हैं। बाबा से मिलने से पहले चाय की दुकान पर चाय पीने लग जाते हैं। बाबा भी सोचता है, पहली बार जब आया था तो इसकी मेरी एक ही प्रायोरिटी होती थी मैं, लेकिन अब इसकी प्रायोरिटियाँ कई बढ़ गई है, मेरे से पहले भी इससे मिलने वाले लोग हो गए हैं, तो इसको उनसे मिल लेने दो, मैं उससे मिलता हूँ जिससे कोई नहीं मिलता। जिंदगी में गांड बांध कर ले जाओ, अगर बाबा के पास रहना चाहते हो ना, इसका मोह छोड़ दो, इसका मोह छोड़ दो, पटकों का मोह छोड़ दो, ये फोटोग्राफी का मोह छोड़ दो। शाम हमेशा साथ रहेगा। आप अगर किसी संस्था में दे रहे हो, मैं देने के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि नहीं होगा तो इतने बड़े बड़े आयोजन नहीं होंगे, लेकिन बाबा उनका पैसा नहीं लेता, उनका पैसा बाबा स्वीकार नहीं करता जो 5,000 देकर 5,000 ढिंगोरा पीट देता है। बाबा उनका स्वीकार करता है जो देकर अपनी पत्नी को भी नहीं बताते, अपने माँ को भी नहीं बताते, अपने पिताजी को भी नहीं बताते, उनका पैसा बाबा स्वीकार करता है कभी, उनका नाम उनका झंडा हमेशा फरकाता रहता है। वही हारे के खाटू नरेश की आइए, माला तो बड़ी सुंदर सुंदर पहनाई जाती है, एक माला भावों की दिल से बनाकर, किसी माली की नहीं, आपकी बनाई हुई माला, वो जिस दिन पहना दोगे ना उसे मेरा बाबा दोनों बाहें फैलाकर गले लगा लेगा आपको। वाह बेटा, आज तुमने अपने हाथ से माला बनाई है, कौन सी माला भाई? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Shimai.
जिनको जाना है जल्दी जाओ। जो प्रेमी है वो बैठे रहेंगे और जिनको घड़ी से प्यार है वो जल्दी जाए। शाम का प्रेमी रात को 3 बजे भी यूट्यूब देख रहा होता है। वो घड़ी नहीं देखते। पहले के जमाने में 40 साल 50 साल पहले बड़े बड़े सेठ उस समय के करोड़पति कभी कड़ाई पर घड़ी नहीं मानते थे, पता है, क्योंकि घड़ी आदमी को कुंद कर देती है। देखो ये भी एक करोड़पति बैठे हैं, जिनके दिल में भाव है ना, मैं समझता हूं अंबानी उसके उसका नौकर है। अब जो घड़ी देखकर आए हो, एक घंटा मुंह दिखाना है तो उनको तो जाना ही है, तो लोग सका थोड़ी है उनका। लेकिन जब वो रात को 3 बजे बाबा को बुलाते तो बाबा भी घड़ी देखता है। सबके निकालूंगा फिर आऊंगा, क्योंकि देखो हम लोग तो नालायक हैं, ये थोड़ी है, ये तो हम लोगों को भी झेलते हैं, लेकिन काम तो उनका ही बनता है जो अपनी हस्ती में मिटा देता है इनके नाम पर, कि बाबा तेरे नाम पर जो होगा देखा जाए ना। आइए ऐसा लग रहा है 3 बज रहा हो। एक निवेदन करो, भजन शुरू कर रहा हूं, इस भजन के बीच में कोई खड़े मत होना, कोई बीच में नहीं जाना। और एक निवेदन करो बहन जी, ओ बहन जी, उनका मोबाइल नंबर ले लो, कल बात कर लेना। कीर्तन में बैठने वालों का काम बनता है कि नहीं बनता, ये तो भावों पर निर्भर करता है। YouTube पर देख देख कर लोगों के काम बन रहे हैं। आप तो 3 बजे की रात को यहाँ पर बैठकर बगल वाले से बातें कर रहे हो, उसकी सोचो, वो बेड के ऊपर में लगाकर नींद आ रही है फिर भी सामने लगाकर देख रहा है, उसको विश्वास है कि बाबा सुन रहा है, तुरंत पकड़ लेता है। तेरे होता कैया
अरे सुनो, आपके हाथ में मोबाइल है, आपको कलकत्ता जाना है, ऊबर बुकिंग आप करोगे तो आपको ऊबर आएगी, आप ऊबर बुकिंग नहीं करोगे तो आपको ऊबर, आपके लिए ऊबर नहीं आएगी। वैसे ही जब भक्त पुकारता है ना, जब भक्त पुकारता है तो लीला घोड़े को आभास होता है, वो हिनहिनाता है। बाबा कहता है लीला क्या होगा, लीला कहता है बाबा किसी भक्त को आपके दरकार है, संकट में है, पुकार रहा है, चलना है। बाबा जी ने नहीं पुकारोगे तो नहीं सुनाई पड़ेगा, है ना, नहीं पुकारोगे तो नहीं सुनाई पड़ेगा। अरे इब तो आजा करके बाबा, इब तो you
Yeah!
यात्रा पे बाबा ने हमको हाथ पकड़ कर बुलाया, ये भी यात्रा पर से और हमसे कठिन यात्रा थी। ये लोग सिर्फ दो लोग थे, कोई लाभ लश्कर नहीं था, चल रहे थे 40-50 किलोमीटर लाभ रहे थे। हम लोग चल रहे थे, शराब लगा रहे थे। हमसे बाद में चले, एक पड़ाव पर हमसे पहले पहुंच गए। संयोग से हमारी पत्नी रक्षा थी, उस दिन इनका पड़ाव भी वहीं पर था जहां बाबा ने हमारा पड़ाव डाल रखा था। उस दिन कीर्तन में बैठ गए और कीर्तन में इन्होंने भी गाया, हमने भी गाया, इनको आनंद आ गया। इन्होंने एक हफ्ते का अपना शेड्यूल आगे पीछे कर दिया, एक हफ्ते का शेड्यूल बदल दिया। एक हफ्ते तक लगातार ये हम 25 किलोमीटर चल रहे हैं, ये 45 किलोमीटर चलने वाले, ये 25 पर आ गए आगे। और एक आध बात तो ऐसा भी हुआ कि आगे जाकर पीछे आ गए वापसी कीर्तन के लिए। तो कीर्तन में वो बात है, तो जहां कीर्तन होता है वहां शाम आता ही आता है, ऐसा हो नहीं सकता कि शाम ना। आज भी बताऊं रंजन क्या बज रहा है, यहां आकर सुनो तब एहसास होगा कि वही तुम्हारा माइक है। आज की कीर्तन के अंदर में रक्त जगह जो करते हैं ना, रक्त जगह सारी रात जाकर जो बाबा का कीर्तन करते हैं ना, तुरंत आते हैं। आज भी आपको बताकर जाऊं, कोई तूफान सर पर आए, ऐसा तूफान आ जाए कि लगे कि अब नाव खत्म हो जाएगी, अब नाव नहीं बचेगी, किसी से गुहार मत लगाना, किसी से गुहार मत लगाओ। रात को नहा धोकर 11-12 बजे जब सब सो जाए, नहा धोकर बाबा की छोटी सी जोत जला लो, थोड़ा सा घी रख लो और बाबा को जोत करते जाओ, और बिना किसी काम धाम के बाबा को भजन सुनाते जाओ। कसम से कहता हूँ सारी रात में तो बीच भी जाए, बड़ा से बड़ा तूफान भी रात भर भजन सुनाओगे ना इनको, बाबा भी देखेगा दुनिया लाल लश्कर से भजन सुनाती है। संजय मित्तल माइक पर गाता है, इतने म्यूजिशियन के साथ गाता है, इतनी तालियों पर गाता है, बिना तालियों में नहीं गा पाता। ये मेरा बच्चा तो कोई माइक नहीं है, कोई साज नहीं है, कोई बाज नहीं है। और सबसे बड़ी बात, रात में नींद आ जाए तो कोई ये कहने वाला नहीं कि सो मत, अकेले बैठ कर मेरी रात में गा रहे हैं। बाबा कहीं जाए ना जाए उस ज्योत में जरूर आता है। आजमा कर देख लेना, ऐसे ही बड़ी बुजुर्ग और के 40-45 साल पहले थोड़ी ना कोई भी संकट आता था बाबा के सामने, बाबा तेरा रज्जगा करूंगी काम बढ़ा दे, और बोलते ही काम बनते थे, और वह रज्जगा भी होता था फिर भी। आजकल रज्जगा के लिए लोगों के पास समय नहीं है, 2:30 बजे रात तक पिक्चर देख लेंगे, लेकिन रात्रि जागरण के लिए बाबा के लिए समय नहीं। बोल साथी दरबार की हेल 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 बोल खाटू नरेश की आई कहीं
Thank you.
विश्वास मानिए ना, मेरे जीवन में सारे सुख हैं,
पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता कि हे बाबा आज मैं जो यहाँ पर बैठा हूँ, जो मैंने आज तक सुना है भाई संजय जी मक्कल को, न तो कलाकार के तौर पे सुना है, न भजन गायक के तौर पे सुना है, सिर्फ जब मुंह से निकलता है वो बाबा के चरणों में सीधा पुष्प बनकर जाता है। मैं सारे जोरदार तालियों से हिंद मोटर की धरती पर बच्चे नहीं तालियां, क्योंकि वो दो भजन नहीं होंगे, दो दिल के टुकड़े होंगे जो बाबा के सामने जाएंगे, और वो प्रेरणा, वो शिक्षा, वो भाव जो आज इस माटी से, इस दरबार से आप लेके जा रहे हैं, ये गुरु दक्षिणा होगी शायद आपके हमारे जीवन में क्या परिवर्तन ला दे। आज हम क्या है, अगले साल मिलेंगे हम क्या हो जाए, तुम्हें रखना तारी की हमारा अपना सुंदर जय विष्णु वर्णन किया, पर बहुत आनंद आ रहा है। Thank you.
Thank you.
निकल भैया, हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप सभी से, संस्था के सभी सदस्यों से, ये जो भजनों के भाव आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कोई भी कृपया अपने स्थान पर खड़ा न रहे, कृपया सभी बैठ जाएं। पीछे से जहां तक मेरी आवाज आ रही है, आगे पीछे जो जहां पर है, अगर भजनों का आनंद लेना चाहते हैं, भाव में डूबना चाहते हैं, तो कृपया अपने स्थान पर बैठे रहे। जय श्री श्याम। पार कर दे तू मन के खिमैया।
Thank you.
आज जो अमृत की वर्षा हुई है, इस वर्षा से जो